ये दिव्य धनुष तुमने तोड़ा। नाना, मेरे विचार से कंस के समक्ष ये बालक भयभीत हो जाएगा। कंस के भय से झूठ नहीं कह पाएगा। नव बालक निर्भय और नटखट होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम हुआ करते थे। थोड़ा स्नेह मिल जाए, थोड़ा ध्यान मिल जाए, और यदि कोई उन्हें प्रेम से कहे कि तुम नारायण हो, तो वो उसका आनंद ले ही लेते हैं। थोड़ा स्नेह और ध्यान उनको भी भाता है, देखिए। हाँ, मैं नहीं तोड़ा है, मैं नहीं तोड़ा है। जब रात्रि को सब लोग सो रहे थे, तो मैं खेलते खेलते उधर गया और मुझे ये प्यारा सा धनुष मिला और मैं इसके साथ खेलने लगा, तो अभी ये धनुष टूट गया। संभव है? आप ने कहा था महादेव, धनुष तो केवल नारायण ही तोड़ सकते हैं। फिर आपका वरदान कैसे विफल हो सकता है महादेव, कैसे? महाराज, सब मथुरा वासियों के मन में यह विश्वास है, जिसका मन सच्चा होता है उसके हृदय में नारायण बसते हैं। तो आप यही समझिए, ये धनुष मैंने नहीं, स्वयं नारायण ने ही तोड़ा है। इसमें अवश्य अवश्य उस कृष्ण की माया, उस कृष्ण की। कोई उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? कंस, कृष्ण को तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। किंतु कृष्ण स्वयं तुम्हारे सामने आने के लिए सज्ज हैं। किंतु कैसे और क्यों? तुम्हारे अंत के लिए और कैसे, वो प्रलंबासुर तुम्हें पहले ही बता चुका है। श्री कृष्ण तुम्हारा अंत अखाड़े में ही करेंगे, सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही होगा। ये संदेश श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए भिजवाया है कंस। एक विशाल मल्ल युद्ध का आयोजन करवाओ, ये तुम्हारी और कृष्ण की प्रथम और अंतिम भेंट होगी। मैं विश्व का सबसे बड़ा और भव्य मल्ल युद्ध आयोजित करूंगा और वही उस अखाड़े में कृष्ण को परास्त भी करूंगा। अब या तो वो मरेगा, मैं महाबली कंस। जैसी आपकी इच्छा मेरे प्यारे मामा श्री। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण कुछ ना कुछ भव्य और दिव्य अवश्य करेगा। राधा, स्वयं ही पढ़ के एक आनंद लेती रहोगी। तनिक बताओ तो लिखा क्या है? मैया,
कृष्ण की सहायता से एक छोटे बालक ने कंस के दिव्य धनुष को तोड़ दिया है और कंस के धनुर्यज्ञ से प्राप्त वो धनुर्कवच को भी नष्ट कर दिया है। अनेक मथुरावासी अब कंस का साथ छोड़कर कृष्ण के साथ है। चुक चुक जियो मेरा लल्ला, चुक चुक जियो। यशोदा काकी, आप इतना उत्साहित मत होइए। कंस का एक धनुष ही तो तोड़ा है कृष्ण ने। आपको अनुमान भी है कंस कितनी अद्भुत और दिव्य शक्तियों का स्वामी है। मेरे भाई अयन ने मथुरा से युद्ध शिक्षा ग्रहण की है। ये तो स्वयं कंस से मिल भी चुका है, अब यही बताएगा आपको कि कंस वास्तविकता में क्या है। कंस अपार और अनंत शक्तियों का स्वामी है। उसने जन्म से ही ब्रह्मांड के सर्वोच्च और सर्वशक्तिशाली योद्धाओं से युद्ध का प्रशिक्षण लिया है। उस एक कंस में 1,000 हाथियों का बल है। कंस वो है जिसने जरासंध की समस्त सेना, उसके समस्त योद्धाओं को अकेले परास्त किया था। कंस वो है जिसने साक्षात इंद्रदेव को परास्त करके उन्हें अपने राज्य पर वर्षा करने हेतु विवश किया था। और केवल इंद्रदेव ही नहीं, वरुण देव और कुबेर तक को परास्त किया है उस कंस ने। वो कंस जब क्रोध से धरा पर पांव रखता है तो पाताल लोक के सातों पर्वत विचलित हो जाते हैं, और यदि अपनी मुट्ठी बंद कर ले तो 9 के 9 ग्रहों को उध्वस्त कर सकता है। और ऐसे महाबली कंस के समक्ष जब हमारा छोटा सा नन्ना सा कोमल सा कृष्ण युद्ध करने के लिए जाएगा, वह कोमल से पुष्प की भांति कुचल दिया जाएगा। इसलिए भाई भी कंस को नहीं, उस कृष्ण को होना चाहिए। इतनी महाशक्ति के साथ मेरा लल्ला कैसे जीतेगा? हे नारायण, मेरे लल्ला की रक्षा करना। रोइए मत मैया, शांत हो जाइए, विश्वास रखिए। कदाचित अयन की कही एक एक बात सत्य होगी। दिया होगा कंस को ब्रह्मांड के सर्वोत्तम योद्धाओं ने प्रशिक्षण, किंतु मेरे कृष्ण को यहाँ की माताओं ने पीछे ना हटने का प्रशिक्षण दिया। मानती हूँ कि कंस में 1,000 हाथियों का बल होगा, किंतु मेरे कृष्ण में बरसाना और वृंदावन के अनेक लोगों का बल है। किया होगा उस कंस ने इंद्र को परास्त, किंतु गोवर्धन पर्वत उठाकर मेरे कृष्ण ने भी इंद्र को वर्षा रोकने पर विवश किया था। अरे, तुम कहते हो ना कि कंस जब क्रोध से धरती पर पग रखता है तो सातों लोक के पर्वत ध्वस्त हो जाते हैं, किंतु मेरा कृष्ण जब प्रेम से बांसुरी बजाता है तो पाताल लोक से देव लोक तक हर देव मनुष्य प्राणी हर एक का हृदय पिघल जाता है। अयन, तुम कहते हो कि कंस जब मुट्ठी बंद करता है तो 9 ग्रहों को ध्वस्त कर सकता है, किंतु मेरा कृष्ण
मेरा कृष्ण जब सबके हृदय में प्रेम जागृत करता है तो समस्त ब्रह्मांड का प्रेम उसकी शक्ति बन जाता है।